मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म रुस्तम का ट्रेलर रिलीज हुआ है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये फिल्म एक नौसेना के अधिकारी की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये वाकया 1959 में हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नौसेना के कमांडर कवास मानेकशा नानावती नेवी के होनहार अधिकारियों में से एक थे। वे ब्रिटेन के डाउनमाउंथ स्थित रॉयल नेवी कॉलेज के छात्र और आईएनएस मैसूर के सेकंड इन कमांड थे। नानावती दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान कई मोर्चों पर लड़ चुके थे। ब्रिटिश हुक्मरानों ने उन्हें वीरता पुरस्कारों से नवाजा था। नौसेना के कमांडर कवास मानेकशा नानावती की पत्नी सिल्विया ने उन्हें 27 अप्रैल 1959 को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने उनकी दुनिया में तूफान ला दिया। उनकी पत्नी ने नानावती को बताया कि वे किसी और से प्यार करती हैं, और ये कोई दूसरा नहीं बल्कि उन्हीं का पारिवारिक मित्र प्रेम आहूजा है। इसके बाद नानावती मुंबई के कोलाबा के कफ परेड में अपने घर में कार में पत्नी सिल्विया और 3 बच्चों के साथ निकले। बीवी बच्चों को मेट्रो सिनेमा में छोड़कर वो बॉम्बे हार्बर की तरफ बढ़े। उनकी बोट उन दिनों वहीं खड़ी थी। उन्होंने कैप्टन से कहा कि वो अहमदनगर जा रहे हैं, उन्हें रिवॉल्वर और 6 गोलियां की जरूरत है। उन्होंने बंदूक एक पैकेट में रखी और अपनी कार से यूनिवर्सल मोटर्स की तरफ बढ़ गए। ये परेड रोड पर गाड़ियों का शोरूम था जिसका मालिक प्रेम आहूजा था। आहूजा उस दिन दोपहर अपने शोरूम पर नहीं था, वो लंच करने घर गया था। शोरूम पर तफ्तीश के बाद नानावती अपनी कार से मालाबार हिल की ओर मुड़ गए। मंजिल थी नेपियर सी रोड की सीतलवाड़ लेन का एक फ्लैट। इसी फ्लैट में प्रेम आहूजा रहता था। आहूजा का परिवार कराची से मुंबई आया था। वो अपनी बहन मेमी के साथ रहता था। आहूजा नहाकर बाथरूम से बाहर आया। उसकी नौकरानी नानावती को 3rd फ्लोर पर उसके अपार्टमेंट तक ले गई। नानावती सीधे आहूजा के बेडरूम में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चंद मिनटों तक सन्नाटा रहा और उसके बाद 3 गोलियों की आवाज सुनाई दी। आहूजा लहूलुहान जमीन पर गिरा तो उसके बदन पर बस एक तौलिया था। नानावती अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। वहां बस अब मेमी की चीखी थी और आहूजा की लाश। नानावती अपने कमरे से मालाबार हिल की तरफ बढ़े। राजभवन के गेट पर रुककर उन्होंने एक कांस्टेबल से नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता पूछा। वे उस पुलिस स्टेशन गए और आत्मसमर्पण कर दिया। गांवदेवी पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस कर्मचारी कुछ क्षणों के लिए सकते में आ गए, हैरान हो गए। मुंबई की चकाचौंध कर देने वाले इस दुनिया में एक चर्चित चेहरा प्रेम आहूजा की हत्या हुई है। ये मामला हर आम और खास को दहला गया था, बल्कि न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर गया था। नानावती पर चला यह मुकदमा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहा। मामले में शुरुआती किरदार 3 ही थे, लेकिन बाद में राम जेठमलानी, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी शख्सियतों का नाम भी केस से जुड़ा। उस जमाने के मशहूर पत्रकार और ब्लिट्स के संपादक वीके करांजिया ने भी केस में अहम भूमिका निभाई। ब्लिट्स ने उस दौर के ऐसी रिपोर्टिंग की, उसे मुल्क का पहला मीडिया ट्रायल माना गया। सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तकरीबन 2.5 साल तक केस चला और करांजिया ने नानावती को बरी करने के लिए अपने अखबार का खूब फायदा उठाया। करांजिया पारसी थे और नानावती भी, इसीलिए करांजिया की सहानुभूति स्वाभाविक तौर पर नानावती की ओर थी, जबकि जेठमलानी ने प्रेम आहूजा की ओर से मुकदमा लड़ा। दोनों ही सिंधी थे। ये एक ऐसा केस था जिसकी चर्चा वड़ा पाव की दुकानों से लेकर 5 सितारा होटल की पार्टियों में और हर गरीब की झुग्गी से लेकर हर अमीर के बेडरूम तक हुई। ये केस पारसी और सिंधी समुदाय के बीच मनमुटाव का कारण भी बना। 1961 की सर्दियों में सुप्रीम कोर्ट ने नानावती को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने उसे माफी दे दी और वो जेल से बाहर आ गए। नानावती पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि जूरी ने उन्हें 302 के तहत दोषी नहीं माना। जूरी ने अपने फैसले में उन्हें 8-1 के मत से निर्दोष साबित कर दिया। और अब इसी कहानी को पर्दे पर उतार रहे हैं अक्षय कुमार। देखना होगा कि उस वक्त के उस केस को क्या ये फिल्म पूरी तरह से पर्दे पर उतार पाएगी।
वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।